इस सरकारी मुहरा 6 महीना लेले भरहन धब्बही थोड़ के आई है, स्याही के कमी से कोनो बात नहीं साहेब चला ली है। इनियावा और कुछ नहीं गा है, ध्यान दे लियो, अगर गहोद बता दियो अबे नीचे जगह बाह में डाल दिए। अरे हलकाए वाला काय के गवा और का करे, हलकाए के गा है तोहार का करे। अरे काय लौट के आओ तो तोहार बताऊ, लौट के आए तो बताए, जात जात की कुछ नहीं बताए। अरे बंदूकिया लेके दताई दे रहा, हां बंदूकिया लेके दताई दे रहा तो तू कहां करे चपकी रहो का जीवन। हां सर FIR दर्ज हो गया है, अब आगे की कार्रवाई की जाए। अरे इनकी रखवाली के लिए फोर्स लगाया जाए, नहीं तो कतवाए के इनका मारे तो सुलन थी गई है। तोरे चाल चलन से तू जिये लाए नहीं रही। चौकीदार आप देखी तो अपने घर जाइए, अपने मोदी राजी फिर को भोज लिया आपके साथ में सरकार में जाने ऐसे। हाँ हाँ सरकार के वो कर दो टेबल लिखाइया भाग्या ये बताओ, अब भाई यार लिखाए पे भाई झूठे फुराए।
अगर कतो पुलिस भाटा आए के देख के अगर मंजुआ रंडी घरे मिल जाए तो उल्टा फनिया से हमार तोहर ऊपर लागे। एक काम कर, हमार राजा है दुल्हा होया, अगर हमसे प्यार कर तो हर तो अनाए तो हमसे चो चलाया जी। कहा बात कबू पाते हम, अगर हमारे बात माना तू हर जइवा भीतर में ओलाई बा मंजुआ तो हर बहिनिया चला जा ग्रास लैया ओके हर जाए गतई काट के खून रोक के ले बा हम पिया जा रहा हूँ और इसको बोटी बोटी भट के एक प्रधान के सामने पेश करूंगा। अरे वो सारे धान दाग ने दाग लगा दिया, नाक काट लिया, कैसी बहन जो हो जो हमारी सटाई हमारी बहन नहीं है। तोहरे विषय में एक बात हमका याद आई है, हम कहा कह दे नहीं रहेंगे। का बताई है सेठाओ तो गत है यहाँ अपने बहनी गतई काट के अगर नहीं आए, अगर ओकर हर जाए खून नहीं लेके आए तो सेठ के ऐसी तैसी हम कह दे रे। तो जानता है क्यों करना, सेठ है न हमारे न सेठ है। नमस्ते नमस्ते, क्या बताओ
गया मऊ चौराहा। छुआ दिन हम का गंगा स्नान करे जाए। हर वक्त उल्टे सीधे बातें करते रहते। देखा सवेरे सवेरे मेहरारू छुई ले तिंद पता नहीं कैसे जू हुई गया। मऊ चौराहा, आज मेरे ऊपर ना जाने भाभी क्यों खुश हो गए। आज भाभी तेरे पर बहुत खुशी है। जी हाँ, पता नहीं काहे की खुशी है, कुछ हम नहीं जान पाए। आज भाभी ने अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया खाना बनाया। अच्छा, खाना बनाने के बाद एक थाली में निकाल करके मेरे कमरे में ले आई। हाँ, बोली मंजू उठो 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 खाना खा लो। मैं उठ करके बैठ गई तो भाभी ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। हाँ, और मैं पेट भर के खूब खाना खाई। अब मुझे नींद आ रही है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर यहीं आराम कर लूँ। हमारे नींद आवती है, आज आओ आप। कहीं हम करवा चौथ भूखी है तो हम कहे काका बने यहाँ। कहीं पूरी कचौड़ी खीर और उज्जर उज्जर पता नहीं कहा इसे बिचवम फाट रहा है। ओमे भरे रही नहीं खाए हमारे घाई ला दिया। यही थोड़ी देर आराम कर, उसके बाद चलते। चला हम हो ऐसो जाए थोड़ी देर करे बाद आगे चल भाई। आज उनके कहने के मुताबिक काम न करूं मेरा लड़का दुश्मन हो जाएगा। मेरा दोष नहीं, तुम्हारी भाभी का दोष है। के बाद खा रहा हूं और ये मंजू का खून उनके सामने में अवश्य पेश करूंगा। ऐसी लाश नहीं है, लड़की की लाश है। ये इसको किसी ने जान से मार दिया है। अब हम और आप मिलकर के इसे कहाँ पहुँचाओगे? अस्पताल में चला। अस्पताल में ले चलिए, डॉक्टर को दिखाया जाए। आओ जल्दी करो। दुर्गावती के सामने ये मंजू का खून पेश कर रहा हूं।
अपना घर रह नहीं आता है का? अब हमारे करे से जुड़ान छाती ठंडी में रहे कच्चे हैं। आप बतावा भैया हरे इससे थोड़ा दहिनाती पगलाई जवा जब ये अपने सग बहिनी के मार के ले आए खून हमका पियाए दे हम तो यान के घर के बहिन बिटिया ही लत मरुआ छाती ठंडी होए होए भले मारू इनका जब ये अपनी बहनी को मार सका थी तो का मारे कितनी बेर लागे तो का मारे कितनी बेर इनका लागे अब का करबू बतावा न हो छाती जुड़ाई जे ना जुड़ान हो न जुड़ान हो तो मेला मालिक से कह दे बर्फ को सिल्ली ले तोरे छतिया भर दे फल आज नहीं तो निश्चय कर अगर जैसे करत यहा तो उसे पौबो करबो ऐसी बात नहीं सबेर हो चुका बा सोच समझ के सतावा नहीं तो हम हो सबे जानी से सतावे ऐसी बात नहीं ना आज ब्रिजभानपुर से सीधे तू जाए नवे पौबो
माहौल दोस्त, कहने से सुनने से कहने वाले से सुनने वाला बड़ा होता है। दो कौड़ी का इन सांचों की भोला नाम भी जानते थे, लेकिन आज उस सम्मान का बदला। मां सारथी की कसम, हम वादा करके निकले हैं धनराज, तुम्हारी हवेली जितनी ऊंची है मैं उतनी छोटी करके रखूंगा। सरदार सिंह, सरदार जी, आज हमें वहां चलना है जहां से मेरी जिंदगी का शुरुआत हुआ था। सरदार जी, जब ये बात है तो देर किस बात की? समय समय की बात होती है मेरे दोस्त डॉक्टर साहब। आज समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। की बात है साहब आपके सामने।
या ऊपर वाले आज शिकारे देख के अंदर हुई है मेरी बहरा मालिक मेरा सपना साकार हुआ ये वर्दी देने वाले को मैं लाख लाख शुक्र गुजार तू ठीक तो है ना की बात क्या है हमने सुना बात बच्ची हुई थी बच्ची कहां पर है बहना लेकिन मैंने तेरे कानून के सामने कानून में वो ताकत है जो कि भवानी सिंह को रोक सके लेकिन एक बहन को पीठ दिखाकर भागने का मेरा काम नहीं है तो गिरफ्तार करना चाहते हो तो सुन मेरी बात को आगे नहीं बल्कि एक बहन के आगे झुक गया चाहे मुझे फांसी हो जाए लेकिन तुझे मैं देख करके मैं खुश हुआ ना क्या बताऊं भैया मैं इस कानून के आगे मजबूर हूं अकेले अपना फर्ज तो पूरा कर नहीं भैया ठीक है बहन लेकिन इतना फर्ज मेरा भी रखना किरा की हालत खा रहा था तो का सम
समझे चाहे मौजी राम सिपाही तो का जुलाब को गोली ले ले चाहिए। एक बहन के नाते मजबूर हो लयन और धनराज चोपड़ा और ये भोला निर्दोष है सर, इन्हें फांसी के तख्त पे नहीं चढ़ाना। मैं सर परमात्मा की कसम खा के कह रहा हूं सर, अकील कीजिए साहब, अकील कीजिए सर, अकील कीजिए सर। साहब ऐसी बात मैं जरा भी नहीं सकता है, इन पर यकीन कर जा सकता है सर। मैं क्या बताऊं, लोग कसम तो खा ही लेते हैं, हमें कसम पर विश्वास नहीं है, इसलिए फांसी रुकना नहीं चाहिए सर। तो ठीक है आप तैयार है ना? आपका दिमाग तो ठीक है, ऐसे कोई भी आकर के कह देगा कि भोले की फांसी मत दो तो क्या मैं फांसी रुका दूंगी? मैं कतई बात नहीं मानूंगी। इंस्पेक्टर साहब ये दोषी नहीं, असली दोषी तो हमारे पिताजी हैं, और मैं सच कह रहा हूं, मेरी बातों पे यकीन कीजिए, मेरे पिताजी ने अपनी शान और शौकत के लिए मेरी बेटी को मार डाला और इस बेचारे को नाजायज फंसाया जा रहा है। असली गुनहगार मेरे पिताजी धनराज जी हैं और वो इस समय अपनी हवेली पर हैं। अगर मेरी बातों का यकीन न हो तो चलो मेरे साथ, मैं चलने के लिए तैयार हूं। इन्हें तख्त से नीचे उतारा जाता है।
इंस्पेक्टर साहिबा। जी भैया। सब सच्चाई आपके सामने आ गई। जी हाँ। लेकिन हम आपके अदालत से आपके चंद मिनटों का मौका चाहते हैं। हम केवल सेठानी से और धनराज से मिलना चाहते हैं। तो ठीक है भैया, मैं अपनी कानून से आपको भरपूर साथ करूंगी। चलिए सेठ जी। विमल साहब, तुम लोग बड़े आदमी हो, पैसे वाले हो, इसीलिए ज्यादा कूदते हो। गरीब की स्थिति नहीं समझ सकते, गरीबी होती क्या है। लेकिन जब गरीब की पल्ला ऊंचा होता है तो भगवान भी पनाह देता है। चलिए हम आपके पिताजी से मिलते हैं। आइए भैया।